Hello students, let's see the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason whether these are correct or not. Assertion is, in chlorophyce, plant body is usually grass green. ये सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जो member of chlorophyce हैं इनको हम green algae बोल रहे हैं, और इनके अंदर अगर हम पिगमेंट देखें तो यहाँ पे जो मेजर पिगमेंट यहाँ कह सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें डोमिनेंस ऑफ, कौन से पिगमेंट का डोमिनेंस होता है, डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, और इनका डोमिनेंस होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो कलर होता है, यहाँ पे जो कलर इससे प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, ग्रास ग्रीन होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये तो सही दिया हुआ है, यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें रीजन क्या है, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसे पजेस क्लोरोफिल ए सी कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें ये जो है ए सी एंड कैरोटिनॉइड जेंथोफिल जो है ये मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसे में नहीं देखने को मिलता है, जो ब्राउन एल्गे है मेंबर ऑफ फियोफाइसे जो है उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ ये तो गलत दे दिया हुआ है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ये जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि रीजन तो फॉल्स है, ट्रू नहीं है। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि रीजन तो ट्रू नहीं है। assertion is true but reason is false, ये सही है, assertion true है reason false है, assertion is false but reason is true, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे assertion जो है false नहीं है, true है, and reason true नहीं है, false है। so correct answer would be this third one, hope you understood the question, thank you and all the best।